मुरादाबाद के अगवानपुर रेलवे ओवरब्रिज पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला। देर रात शाहजहांपुर से मुजफ्फरनगर जा रहा एक ट्रक उस समय डिवाइडर पर चढ़ गया जब पूरे पुल पर अंधेरा छाया हुआ था। ट्रक चालक को डिवाइडर नहीं दिखाई दिया और तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर पर चढ़कर पूरी तरह से गिर गया। ट्रक गिरने के बाद सामान भी पूरे पुल पर दिखाई दिया और चालक और परिचालक को भी काफी चोट आई है। अगवानपुर नगर पंचायत के रहने वाले और यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दानिश सैफी का ये कहना है कि अगवानपुर रेलवे ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं और रात में पूरी तरह से अंधेरा छाया रहता है, जिसकी वजह से आए दिन वाहन हादसों का शिकार होते हैं। देर रात ट्रक भी अंधेरे के कारण डिवाइडर पर चढ़ गया और यह हादसा देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की कि रेलवे ओवरब्रिज पर प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए, जिससे सभी वाहन चालकों के साथ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सहूलियत मिल सके। ये एक ट्रक जा रहा था शाहजहांपुर से मुजफ्फरनगर की ओर और ये ड्राइवर से टकरा गया। जो डिवाइडर है हमारे, उसका कारण ये रहा कि ये जो हमारे पुल पर लाइट है ये काफी समय से बंद पड़ी है, उसकी वजह से हादसा हुआ। अगर लाइट ठीक होती तो वो ड्राइवर से ट्रक नहीं टकराता और हादसा नहीं होता। आए दिन हादसे होते रहते हैं इसकी वजह से। मेन कारण ये है कि लाइट नहीं है। जी जी हाँ, मेन कारण यही है। अगर लाइट होती तो डिवाइडर से नहीं टकराता ट्रक। आए दिन होते रहते, ये तो आज कई हादसे हो चुके हैं। क्या कहते हैं आप, क्या मानना चाहते हैं? मेरा ये, मेरे प्रशासन से यही मांग है, तो जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है पुल पर वो चालू की जाए जल्द से जल्द, जिससे ये दुर्घटनाएं रुके।